हाय एवरीवन, चलिए बनाते हैं नारियल की चटनी। नारियल की चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है। इसको हम खा सकते हैं डोसे में, इडली में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये मैंने कच्ची नारियल ली है, देख सकते हैं। इसके छिलके मैं निकाल लूँगी। इसमें जो पीछे छिलका ब्लैक कलर में है, इसको चाकू से निकाल लें। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके छिलके निकाल लिए हैं और जार में मैं इसको पीसूंगी। तो देखिए, टुकड़े कर लिया है मैंने इसका, एक एक करके डालूंगी मैं। और इसमें मैं डालने वाली हूँ चने की दाल, भुनी हुई चने की दाल है ये। और इसमें मैं कुछ अदरक के टुकड़े भी डालूंगी। ये देखिए, छोटा सा अदरक का टुकड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और हरी धनिया डालनी है, तो इसमें मैं हरी धनिया डाल रही हूँ। और इसमें दो मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये है मूंगफली, इसको मैंने हल्का सा भून लिया था और इसके छिलके उतार दिए हैं। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा दही, 2 चम्मच के करीब। और पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं पीसने के लिए। तो मैं अब इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये हो जाएगा। इस तरह से हो चुका है। मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, आप और बारीक कर सकते हैं, इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलिए, अब इसको हम फ्राई करेंगे। चटनी को फ्राई करने में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्राई करने के लिए हमने लिया है पैन। इसमें अब डालूँगी ऑयल। और इसको मैं ऑयल को गर्म होने दूंगी थोड़ा। और इसमें राई डाल रही हूँ मैं, लाल मिर्च, 2 लाल मिर्च के टुकड़े। और इसमें डालूंगी मैं करी पत्ता। इन सबको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, हल्का ब्राउनिश कलर। और आप चाहें तो इसमें हींग भी सर्व डाल सकते हैं। ये देखिए, इसको मैंने डाल दिया है। अभी ये खाने में काफ़ी टेस्ट आएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा गाइस। आप सब इसी तरह से बनाएं। और इसमें स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक, स्वादानुसार नमक। और इसको मिक्स कर लेंगे। अब सब इस तरह से नारियल की चटनी बनाएं, बहुत टेस्टी है गाइस। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।